हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका यूट्यूब फ्रेंड। काफ़ी दिनों बाद ये मेरा वीडियो आ रहा है और इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आजकल कोविड सेकेंड टाइम फिर से इम्पैक्ट दिखा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सही होंगे। तो आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर है, जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कई कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से पूछे जाते हैं मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, तो सभी को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ और कभी कभी देता भी नहीं हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चंस होते हैं और कई बार मैंने बताया हुआ भी है कि कैसे कैसे, मतलब किस चीज़ को क्या करना है, लेकिन रिपीटेड सेम चीज़ पर आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। कोई नहीं, कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए वीकली या हर 15 दिन में एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं उसके बारे में ऑनलाइन आके उसको जवाब दे पाऊँ, ठीक है। और प्रैक्टिकली जनरली मैंने लाइब्रेरी के लगभग सभी पहलुओं पर आपको वीडियो बना चुका हूँ और जिससे शायद आपको हेल्प भी मिल रही हो। अगर मिल रही हो तो प्लीज़ कमेंट एरिया में बताएं कि हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल जो हेल्पफुल है आप लोगों के लिए या नहीं है। और अगर आप अभी भी कुछ वीडियो चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे कमेंट एरिया में आके बता दिया करें कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं कोशिश करूँगा, तो मैं उन सब्जेक्ट पे भी या टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों की तरफ से कॉमनली लगभग सभी लोगों की डिमांड होगी, उन पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और जो मेरे जो उसके संबंध में जो मेरे पास नॉलेज होगी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आज का ये सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चन आंसर जो कि सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन आंसर है और जो कॉमनली भी पूछे जाते हैं, तो उससे ऊपर मैं ये बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो ले रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये यश नेगी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सर गिफ्टेड बुक्स के लिए अलग से एक्सेशन रजिस्टर लगाते हैं या एक ही एक्सेशन रजिस्टर यूज़ करना चाहिए। मैंने कई बार अपने वीडियो में भी बताया है, व्यक्तिगत लोगों के जो कॉल आए हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जिन्होंने मुझे पूछा है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, गिफ्टेड बुक्स और डोनेटेड बुक्स लगभग सेम ही होती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। डोनेटेड जो होती है वो जनरली कोई फैकल्टी वगैरह हमारी जो होती हैं या कोई भी टीचर्स है वो डोनेट करते हैं लाइब्रेरी को। गिफ्टेड में ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गिफ्ट करती है और कभी कभी पर्सन भी गिफ्ट करते हैं, तो उनके लिए आपको हमेशा एक अलग रजिस्टर बनाना है। एक्सेशन रजिस्टर केवल और केवल आप केवल उन्हीं बुक्स की एंट्री करेंगे जो बुक्स आपने परचेस की हैं। कई बार बताया है, फिर मैं बता रहा हूँ, एक्सेशन रजिस्टर्स के अंदर केवल वही बुक्स की एंट्री करेंगे जो बुक्स आपने परचेस की हुई हैं। यानी कोई भी आपका इंस्टीट्यूट या आपका कॉलेज या स्कूल या आपकी यूनिवर्सिटी जो आपने परचेस करी है, उन्हीं बुक्स को आप एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करेंगे, अदरवाइज और किसी भी तरीके की किसी बुक्स की एंट्री नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी जो बुक्स होती हैं उनका सेपरेट रजिस्टर बनाएं। स्पेसिमेन वो जो होती हैं, जो स्पेसिमेन आती हैं उनके लिए सेपरेट रजिस्टर बनाएं, और गिफ्टेड या डोनेटेड बुक्स उनके लिए सेपरेट रजिस्टर बनाएं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब यश नेगी जी आपको मिला हो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये अर्चना वाजपेयी जी हैं, ये पूछ रही हैं कि जर्नल में डेट ना हो तो क्या करें। कभी कभी जो जर्नल्स होते हैं उनमें डेट नहीं होती है, तो हाँ मंथ होगा आपका, जैसे सपोज अगर वीकली कोई आती है तो उसमें वीक की डेट होगी, देन महीने का होगा, अप्रैल मई जनवरी जो भी है। अगर वो डेट नहीं दी हुई है तो मंथली उसका 100% उसका मंथ लिखा होगा, हो सकता है सबसे लास्ट पेज में हो, हो सकता है जो बैक ऑफ द टाइटल पेज हो जिसमें पूरी एडिटोरियल की पूरी डिटेल होगी, किसका एडिटर कौन है, कहाँ से छपता है, कैसे क्या है, वहाँ होगा। डेट नहीं होगी तो उसका मंथ होगा, केवल मंथ लिख दीजिए। अगर कुछ भी ना हो, मंथ भी ना हो, तो उसका इशू और वॉल्यूम वो तो होगा होगा, वो आपको लिखना ही लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि इशू नहीं होगा, केवल वॉल्यूम होगा, तो आप वॉल्यूम लिख दीजिए। यानी जितना डाटा आपको जर्नल्स के अंदर या मैगजीन्स के अंदर आपको मिल रहा है, वो आपको रजिस्टर अगर हम मेंटेन करते हैं तो रजिस्टर, अगर कोई सॉफ्टवेयर मेंशन यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर में एंट्री करें। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन, लगभग कोशिश तो ये रहती है कि आप लोग की हेल्प कर पाएँ।
भाग्यश्री साहू पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टार्ट न्यू रजिस्टर मेंटेन, एक तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल क्लियरली शब्दों का उपयोग करें। अब जैसे इसमें मुझे ढंग से नहीं समझ में आ पा रहा है, जितना समझ पा रहा हूँ न्यू रजिस्टर मेंटेन। हाँ ये हाँ मैं समझ पाया। आप थोड़ा सा ये थोड़ा क्लियरली मेंशन करें। इसमें ये लिखा हुआ है, उन्होंने पूछा है भाग्यश्री जी ने कि नया रजिस्टर जब भी हम स्टार्ट करें तो वो फर्स्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 001 करें, 02 करें, इसी तरीके से करना है या कुछ और तरीके से करना है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप रजिस्टर में एंट्री करें तो 1 2 3 4 5 आप लिख सकते हैं, आगे डिजिट का कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो चीज़ जब आप सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं तो आपको 5 डिजिट का आप कम से कम नंबर बना के रखिए। 5 डिजिट का मतलब ये हो गया कि आप 1 से लेके एटलीस्ट एक्चुअली 99,999 यानी अप्रोक्सीमेट 1 लाख तक की बुक की एंट्री कर सकें। कॉलेज लेवल पर 1 लाख बहुत होता है, स्कूल लेवल पर भी 1 लाख बहुत होता है। कितने वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 1 लाख तक कलेक्शन नहीं पहुँच पाता है जनरली, ठीक है। तो आप और यूनिवर्सिटी लेवल पर तो आप कम से कम 6 डिजिट का नंबर ले ही चलें, 6 या 7 डिजिट वो भी लगता है। आपको कुछ नहीं करना, 1 के आगे उतनी 0 लगा देनी है, वो आप सॉफ्टवेयर में करें। रजिस्टर में कर रहे हैं, रजिस्टर में 1 2 3 4 5 करके आप स्टार्ट कर दें। आपको 1 से ही स्टार्ट करना, जरूरी नहीं है वहाँ आप 0 0 आगे लगाएं, ऐसा मेरा मानना है। कई लोग हो सकते हो लगाते हो, लेकिन रिटर्न में जब आप कर रहे हैं तो उसके आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर में हम इसलिए करते हैं कि जब हम बार कोड करते हैं या कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वो पूरी डिजिट पकड़ता है, कितने डिजिट का एक्सेस नंबर है। आपने शुरू में 1 1 1 कर दिया, फिर आगे चल के वो सपोज डेट जैसे 54,000 का कोई नंबर है, 54,001 या 15,003, तो ऐसे नंबर होगा तो वो रिपोर्ट जनरेट करते वक्त वो रिपोर्ट उसकी जनरेट नहीं होगी। इसलिए सॉफ्टवेयर में आप हमेशा 1 के आगे 4 0 0 लगा रहे हैं, अगर 5 डिजिट का नंबर निकाल रहे हैं तक रखना चाहते हैं। सपोज लाइब्रेरी में जैसे 1 लाख तक अगर आपके बुक रहे तो आप उसमें 5 4 0 लगाने, 1 से आगे। आप चाहते हैं कि केवल 10,000 रहें तो आप 4 0 लगा दीजिए इस तरीके, 3 0 लगा दीजिए इस तरीके से। आप मतलब 3 4 0 का इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं। भावा प्रिया पूछ रहे हैं कि हाउ टू एंटर सब्जेक्ट लाइक हिंदी एंड कन्नड़ इन एक्सेशन रजिस्टर। अगर आपको कोई बुक जैसे, अच्छा है ये क्वेश्चन, कई लोगों के माइंड में डाउट होता होगा कि अगर कोई बुक हिंदी की है या कन्नड़ की है तो आप उसकी एंट्री कैसे करें एक्सेशन रजिस्टर के अंदर। इसके 2 माध्यम हैं। पहला ये कि अगर आपको लैंग्वेज आती है, जैसे सपोज इन्होंने पूछा है कन्नड़ में अगर है, कन्नड़ आती है तो आप कन्नड़ में लिख दीजिए। लेकिन दिक्कत इस बात की क्या है कि सपोज अगर आज तो आप कन्नड़ आती है, लेकिन कोई नॉर्थ का बंदा, नॉर्थ का कुछ लाइब्रेरियन है, वो अगर वहाँ जाके जॉब करता है तो उसके लिए इशू आ जाएगा, वो देख नहीं पाएगा। कोशिश करिए आप इंग्लिश में ही लिखिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए कन्नड़, ब्रैकेट में लिख दीजिए हिंदी, ठीक है। सपोज जैसे मैं आपको एक दो टाइटल बताता हूँ, आसमान के नीचे, सपोज ये कोई बुक का नाम है या नोवेल का नाम है आसमान के नीचे, तो अब आसमान के नीचे हिंदी में है तो आप आसमान के नीचे इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है। इंग्लिश में जैसे लिखते हैं रोमन वर्ड्स में लिखते हैं आसमान के नीचे, ब्रैकेट में लिख दीजिए हिंदी, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कन्नड़ का कोई टाइटल है तो आप कन्नड़ में वो रोमन में कन्वर्ट करके कन्नड़ लैंग्वेज में रोमन उसको लिख दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए कन्नड़। तो जब भी आपका आपके अलावा कोई अगर लाइब्रेरी रजिस्टर को देखेगा तो उसको देख के समझ जाएगा कि ये कन्नड़ में है कि ये हिंदी में है। इस तरीके से आप किसी और भी चीज़, उर्दू है, पंजाबी है, इस तरीके से भी आप उसको एक्सेस रजिस्टर में एंट्री कर सकते हैं। इंग्लिश में रोमन में टाइटल लिखिए, ब्रैकेट में उस लैंग्वेज का नाम लिख दीजिए जिस भी लैंग्वेज में बुक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का जवाब सही मिला हो। आगे और लेते हैं क्वेश्चन। सुरेश नारायण जी कहते हैं कि सर यूटीसी का कंप्लीट कोर्स कराएं। मेरे यूडीसी पे बेसिक इंट्रोडक्शन जो ऑक्सिलरीज का ये यूज है उसके ऊपर मैं 2 3 वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि यूडीसी के ऊपर मैं और थोड़ा डेप्थ में वीडियो बनाऊँ, कोशिश करूँगा आने वाले समय में यूडीसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छे लगते हो।
इसके बाद अतिंदर भोपराई, अतिंदर जी पूछ रहे हैं स्पेशली इन बुक्स की एंट्री किस में करें, एवरी ईयर न्यू बुक्स आती हैं तो पुरानी बुक्स का क्या करें। स्पेसिमेन जैसा मैंने अभी पहले पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, स्पेसिमेन बुक की स्पेसिमेन रजिस्टर में एंट्री करें और पुरानी बुक्स भी स्पेसिमेन जो होंगी वो आप एक जगह अपने लाइब्रेरी में अगर आपके पास स्पेस है तो अलमेरा बनाइए, उसकी स्पेसिमेन वहाँ रखिए और वहाँ पर भी कैटेगराइज कर दीजिए, साइंस की है, आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, रेफरेंस बुक ये हैं, इस तरीके से अलग उसको अलमरा को ही बिल्कुल अलग कर दीजिए, मिक्सअप मत करिए। मिक्सअप अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में या परचेज वाली में मिक्सअप करेंगे तो भविष्य में जो आपसे डाटा पूछा जाएगा, जनरली CBSE हर 3-4 साल बाद डाटा पूछती है कि आपके पास कितनी बुक्स हैं, कितनी रेफरेंस बुक हैं, कितनी टेक्स्ट बुक हैं, तो आपको डाटा निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेटर मेरा सजेशन यही है कि स्पेसिफिक बुक्स को आप हमेशा अपने से मेन टेक्स्ट बुक जो है उससे अलग रखें, ठीक है। निशा जी पूछ रही हैं सर बारकोड कैसे लगाते हैं स्कूल लाइब्रेरी में, प्लीज़ इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाएं। कोशिश करूँगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की। बारकोड हालांकि मैंने ई ग्रंथालय के माध्यम से कैसे निकलते हैं वो मैंने करके दिखाया भी है एक वीडियो में, ई ग्रंथालय वाले वीडियो में हाउ टू क्रिएट बार कोड, इस तरीके से मेरा एक वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है। और फिर भी अगर आपको नहीं इसमें लगता है, इवन मैंने एक प्रैक्टिकल लाइब्रेरी बुक प्रोसेसिंग में भी आप बताया है कि बारकोड कैसे उसमें लगाए जाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर डाउट हो तो कमेंट्स एरिया में आप मुझे आके बताएं। मैं तो आप लोगों से फिर भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई स्पेसिफिक आपकी चाहते हैं कि कुछ वीडियो बनाएं तो आप मेरे कमेंट्स एरिया में आके बताएं। देख रहा हूँ कमेंट्स तो हैं लेकिन कोई ऐसा कॉमन क्वेश्चन हो जो मिल पाए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8750911018। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8750911018। आप यहाँ आके भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यदि कोई व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता है तो उस कमेंट्स में लिख दें। अगर मैं फ्री होऊंगा देन मैं अपना टाइम बता दूंगा, देन आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। अदरवाइज वहाँ पर भी आप कमेंट्स में अगर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं तो मैं उसमें भी कमेंट्स के माध्यम से आपको क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, आज के जो भी मैंने प्रश्न लिए उनसे आप लोगों की लगभग सभी लोगों की क्वेरीज में मदद मिलेगी। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगले वीडियो में उनको अपने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं